वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक एट बीबीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करी थी अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में अपन फिर से एक अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको सोल्व करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन ये कहते हैं कि अपन क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले ये पूछा गया है कि एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है अपने को, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन अपने से करवाया गया है। देखिए क्वेश्चन मैं ड्राफ्ट कर देता हूं। ऑन 1st अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल को फर्म की जो असेट्स दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 3 लाख रुपीज, इंक्लूडिंग कैश रुपीज 5000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर, कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, कैपिटल्स आर रुपीज 2 लाख एंड द रिजर्व बैंक द रेस्ट, और बाकी क्या है, रिजर्व है, यानी कि जो रिजर्व दिया हुआ है वो बाकी का लेफ्ट है। अब आपको ये तो पता होगा कि बैलेंस शीट का अपना टोटल असेट और लाइबिलिटी साइड का इक्वल होता है, यानी कि अगर टोटल असेट्स 3 लाख रुपए है तो लाइबिलिटीज का टोटल भी 3 लाख रुपीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और यहां पर ये जो असेट्स है वो 3 लाख रुपीज है इंक्लूडिंग कैश, यानी कि ये जो सिर्फ कैश की अमाउंट दी गई है वो इसमें इंक्लूडेड है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में ये जो कैश की अमाउंट दी गई है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के पर्पज से दी गई है, कैश अलग से नहीं है, इंक्लूडिंग कैश यानी कि जो टोटल असेट्स है उसमें कैश इंक्लूडेड है 5000 रुपीज का। तो जब असेट्स 3 लाख रुपीज की है तो लाइबिलिटीज भी 3 लाख रुपीज होनी चाहिए, और उस 3 लाख रुपीज में से 2 लाख रुपीज कैपिटल है तो रिजर्व कितना हो गया, 1 लाख रुपीज हो गया। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एंड रेस्ट जो है वो रिजर्व है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितनी कितनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% की क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद में ये कह रहा है एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, और गुडविल दे रखी है, गुडविल जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 2 लाख रुपीज की, 2 लाख रुपीज की गुडविल है एट द 4 इयर्स परचेज, यानी कि ये कौन सा है, 4 इयर्स परचेज, 4 इयर्स परचेज गुडविल की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट करना क्या है, एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन क्या पूछा है, एवरेज प्रॉफिट पूछा है, यानी कि अब अपना गुडविल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है कि अपन बात करते हैं सुपर प्रॉफिट के गुडविल की, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है अपना सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। गुडविल की वैल्यू निकाल कर दी हुई है, गुडविल की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज की, सुपर प्रॉफिट है नहीं हमारे पास तो हम पहले सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, और नंबर ऑफ परचेज ईयर्स दिए हुए हैं 4, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितने हैं 4 है। तो अब अगर अपन बात करें कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होता है अपना 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 50,000 अपना इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपना क्या आता है, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला अपना क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला यही होता है। यानी कि अपने पास में सुपर प्रॉफिट है कैलकुलेट कर लिया अपन ने,
और अब अपने पास में ना तो एवरेज प्रॉफिट है और ना ही नॉर्मल प्रॉफिट है। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट पूछा गया है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को अभी नॉर्मल प्रॉफिट और चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए अपने पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल दे रखी है। और इंफॉर्मेशन में क्या है, कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है कि नहीं होती, होती है कि नहीं होती, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड अपन कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी अप्रोच। और लाइबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो अपन क्या करते हैं, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट अपना कितना था, 50,000 है। अब अपन बात करते हैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड की, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू अपन ये लिखते हैं कि अपना जो आ जाता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और कैपिटल अपनी है 2,00,000 रुपए की प्लस रिजर्व्स है अपने 1,00,000 रुपए के, तो अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 3,00,000 रुपए की। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपने को करना क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अपन ने कैलकुलेट किया कितनी आई, 3,00,000 रुपीज की, यानी कि 3,00,000 इंटू नॉर्मल रेट 10% क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट अपना कितना आ जाता है, 30,000 रुपीज का आ जाता है। यानी कि अब इस क्वेश्चन में अपने पास में सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट पूछा गया है। तो अपन क्या कहते हैं, वापिस मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट किया था 50,000 इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट है नहीं अपने पास में, अपने को कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी अपन ने कैलकुलेट किया 30,000 रुपीज का, यही किया है। यानी कि अब इस इक्वेशन को मैं अगर इधर लेकर आ जाता हूं तो ये हो जाता है अपना एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट अपना था 50,000 प्लस नॉर्मल प्रॉफिट अपना 30,000, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया अपना 80,000। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे। तो अपन ने क्या कहा कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अगर जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात आती है तो ओनली खाली गुडविल भी नहीं पूछी जाती, उसके साथ में आपसे एवरेज प्रॉफिट पूछा जा सकता है, आपसे नॉर्मल प्रॉफिट पूछा जा सकता है, आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा जा सकता है, और इसी चीज की अपन ने क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करी है। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन ये था कि टोटल असेट्स 3,00,000 रुपीज की है इंक्लूडिंग कैश 5,000 रुपीज है, लाइबिलिटीज में कैपिटल दे रखी थी 2,00,000 रुपीज की, एंड रेस्ट जो है बाकी बच जो गया वो होगा रिजर्व्स। अब अपने को ये चीज पता होती है कि अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो टोटल असेट्स का होता है वो ही अपनी लाइबिलिटीज का होता है, यानी कि अगर असेट्स का टोटल 3,00,000 रुपीज है तो टोटल लाइबिलिटीज भी 3,00,000 रुपीज की होगी, उसमें से कैपिटल 2,00,000 रुपए है तो बाकी बचा हुआ क्या है, जनरल रिजर्व या रिजर्व्स, तो बाकी बचा डिफरेंस कितना, 1,00,000 रुपीज हमने निकाल दिया, 1,00,000 रुपीज अपना रिजर्व है। अब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी अप्रोच क्या होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर ली। सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, हमने निकाला था गुडविल की वैल्यू दे रखी थी 2,00,000 रुपीज की, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 4 ईयर्स दे रखे हैं, यानी कि 2,00,000 डिवाइडेड बाई 4 50,000 हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, और हमने कैपिटल एम्प्लॉयड से कैलकुलेट करने के बाद में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया,
और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में अगर एवरेज प्रॉफिट पूछा जाता है तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि इन दोनों को प्लस कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। इसी को अपन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 रुपीज का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी गई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है क्वेश्चन में वो है 10%। और इफ द गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि गुडविल दे रखी है, गुडविल इज इक्वल टू है 1,00,000 रुपीज की, और ये है 4 years परचेज, यानी कि परचेज ईयर कितने दे रखे हैं, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का 4 years परचेज से मल्टीप्लाई करके निकाला गया है। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, पूछा क्या गया गया है, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ सब कितनी है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट की रेट दे रखी है, और गुडविल दे रखी है अपनी 4 years परचेज के हिसाब से 1,00,000। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इस गुडविल के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। फॉर्मूला है अपना, गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,00,000 रुपीज की, सुपर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, हम लिख देते हैं सुपर प्रॉफिट, बट नंबर ऑफ परचेज ईयर्स दे रखे हैं, यानी कि अब अगर अपन बात करें तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 25,000 का अपना क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, 25,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आगे की बात करते हैं तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट किया था 25,000 का है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है नहीं हमारे पास, तो नॉर्मल प्रॉफिट लिख दिया। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 80,000 माइनस सुपर प्रॉफिट 25,000 रुपीज का, तो अपना नॉर्मल जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 55,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछी गई है और कैपिटल एम्प्लॉयड होने के लिए कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से मदद से अपन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अपन ये कहते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है अपना, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो जाता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, या अपन ये कहते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं
कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है अपना नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 है। अब अपने पास में नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया हुआ है साहब 55,000 रुपीज का, बट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है और रेट है वो 10% है। इट मींस मैं यहां पर अगर ये कह दूं कि ये जो 55,000 रुपीज है ये उस कैपिटल का 10% है जो कैपिटल अपने को रिक्वायरमेंट थी, यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा है अपने से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब इस तरीके से होता है तो मैं इस फॉर्मूले को क्या रिवर्स कर सकता हूं क्या, यानी कि 100 अपॉन रेट लिख सकता हूं कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। मैंने वही काम किया है सर, यहां पर क्या किया है कि नॉर्मल प्रॉफिट है 55,000 रुपीज का इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10। इसको इस तरीके से नहीं लिखकर मैं ये कहता हूं कि ये 55,000 जो है वो 10% की वैल्यू है, 10% है नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो ये जब 10% है तो 100% कितना होगा, 5,50,000 होगा कि नहीं होगा, 5,50,000 ही अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अपना सॉल्यूशन भी हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से इस अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड अपने से कैपिटल एम्प्लॉयड भी पूछी जा सकती है, एवरेज प्रॉफिट भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी पूछा जा सकता है और अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट गुडविल का वैल्यूएशन भी पूछा जा सकता है। आपको करना क्या है, आपको इसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है, अपने आप से इसको समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर अपन करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड की बात, और कैपिटलाइजेशन मेथड को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। दो मेथड से अपन कैपिटलाइजेशन मेथड को सोल्व करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड का, एक बार फटाफट अपन थोड़ा सा माइंड मैपिंग कर लेते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब यह हो जाता है कि जो एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट हमने जो कैलकुलेट किया है उसके लिए आपको बिजनेस में कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्या बोला मैंने कि जो प्रॉफिट अपन ने अर्न किया है, सुपर प्रॉफिट अर्न किया है या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया है, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहां पर यह कहता हूं कि अगर एक बिजनेस फर्म में 50,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कितना 50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट होता है और नॉर्मल प्रॉफिट की जो रेट है वो 10% अगर दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उस 10% का प्रॉफिट तो 50,000 है लेकिन 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए 50,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तब तक आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।